जनपद बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में जूनियर हाई स्कूल मालदे की स्थिति कुछ और है। यहाँ गोमती नदी के किनारे बना दिया गया है विद्यालय भवन, जो कि कभी भी बारिश के दौरान तेज लहरों का शिकार हो सकता है। जो विद्यालय की सुरक्षा दीवार है, जो ठीक विद्यालय के सामने आपको दिखाई दे रही है, ये पिछली बरसात में बुरी तरीके से ढह गई थी और एक साल गुजर जाने के बाद भी इस दीवार का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। जब यहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आ जाती है तो पूरा हमारे पूरे विद्यालय में पूरा अंदर जाता है पानी, और इसके द्वारा हमारे जो सुरक्षा के लिए हमने एक दीवार बनाई थी वो भी टूट गई है। अर्थात इसके कोई हमारे विद्यालय के लिए कोई सुरक्षा योजना नहीं। मालदे गांव में विद्यालय की चार दीवारी पिछली बरसात में ढह गई और इस बार विद्यालय का फील्ड भी नदी के हवाले हो गया, बह गया। बच्चे सहमे सहमे से रहते हैं, उन्हें डर रहता है, रास्ते बह चुके हैं और उनके खेलने के फील्ड में कीचड़ भरा रहता है। और चार दीवारी के ठीक सामने गांव वाले खनन कर रहे हैं। इस खनन को रोकने का कोई उपाय न तो प्रशासन के पास है, न ही विद्यालय के शिक्षक इस खनन को रोक पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विधायक जी आए थे, उन्होंने भी घोषणा तो हर दी, मगर पैसा अभी तक नहीं आ रखा है। क्योंकि यह विद्यालय मेरे गांव के करीब है तो मेरे गांव के बच्चे भी यहां पढ़ने को आते हैं। मुझे भी चिंता होती है, चिंता के साथ साथ दुख भी होता है कि हमारा शासन प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि उनको छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी नहीं दिखता। अगर यह स्थिति रही तो एक दिन यह विद्यालय इस नदी का शिकार हो जाएगा और तब हमारे पास सिवाय यादों के और कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ट के लिए।